चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा BBSPU की बड़ी अपडेट है और सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है, तो क्या अपडेट है जानेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज का ही नोटिफिकेशन है, और देखिए विशेष रूप से इसमें कुछ स्पष्ट दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया कि एते द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध महाविद्यालयों में BEd, MEd, BPEd प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-22 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के संस्थागत भूतपूर्व कैरी फॉरवर्ड परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने, शुल्क जमा करने एवं विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु तिथि बढ़ाई जाती है। तो ये समझ लीजिए आपकी जो डेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और वे डेट क्या क्या हैं देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल मिट गया है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो होगी आपकी 26/4/2021 से होगी 30 तक, मतलब 30 अप्रैल तक। फिर विलम्ब शुल्क साथ जमा करने, मतलब परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि होगी 1/5 से 3/5 तक, मतलब 1 मई से 3 मई तक। ऑनलाइन जो आप संशोधन कर सकते हैं अपने परीक्षा फॉर्म में, तो दिनांक 4 मई से 5 मई तक कर सकते हैं, और इसके बाद आपके विश्वविद्यालय जो है वह परीक्षा शुल्क जमा करेगा फॉर्म के साथ 6 से 8 मई तक, और इसके बाद जो विश्वविद्यालय है नॉमिनल रोल जमा करेगा वह 10 से 11 मई तक। और यहाँ देख सकते हैं सत्र नियमित किए जाने के दृष्टिगत समय सारणी के अनुसार, मतलब तिथि नहीं बढ़ाया जाएगा। तो देखिए अब उम्मीद नहीं है कि तिथि बढ़ेगी, क्योंकि एक दो बार हमेशा बढ़ती है, तो इसलिए पहली बार बढ़ा है, तो ध्यान में रखते हुए जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो अपना भर लेंगे, और कोई भी संशोधन वाला वगैरह रहेगा तब समझिए अब आपका संशोधन होगा 4 से 5 मई के बीच। ठीक है, तो वेट करिए जिनका संशोधन करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए इन्फोपुर के साथ।